हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इंटीरियर क्या? अभी तक ये माना जाता था कि इंटीरियर आपके घर का रंग रोगन, आपके घर के पर्दों का कपड़ा किस तरह का हो, इन्हीं सब बातों पर आधारित था। लेकिन अब इंटीरियर की परिभाषा बदल गई है। इंटीरियर एक वास्ट फील्ड हो गया है। इंटीरियर के बारे में क्या करियर में अपार संभावनाएं हैं, किस तरह का एजुकेशन अवेलेबल है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र मेहता, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के मध्य प्रदेश चैप्टर के चेयरपर्सन हैं, साथ ही अभय जैन, जो वर्चुअल वॉयज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, और इस तरह के कई सारे कोर्सेज उनके सेंटर पर अवेलेबल हैं। स्वागत है आप दोनों का। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटीरियर क्या, इंटीरियर की जो डेफिनेशन की बात करें, इंटीरियर में करियर की क्या संभावनाएँ हैं, और अभी तक किस तरह से देखा जाता था इसको? देखिए, इंटीरियर डिज़ाइन का जो पिछले कुछ सालों में जो एकदम से लोगों के मन में इस टॉपिक को लेकर अवेयरनेस बढ़ी है, तो वो इस वजह से हुआ है कि जो फंक्शनल यूज़ चाहते हैं अपनी स्पेसेस का, शहर में आप देख ही रहे हैं कि कीमतें जिस टाइप से बढ़ रही हैं, फ्लैट्स की हो गई, इसकी हो गई, ऑफिसेस हो गए, जो दाम बढ़ रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि उसकी छोटी से छोटी जगह का वो मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन कर सके। तो जब ये सब चीज़ें हो गई और इसके साथ में काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज आ गई हैं, सीसीटीवीज आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर्स आ गए हैं, तो इन सब चीज़ों को एक तरह से इस टाइप की एक माला टाइप की बनानी होती है, जिसमें ये सब एस्पेक्ट्स को पिरोकर और एक अच्छा, जिस टाइप से वो सोच रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, तो उस चीज़ को वापस वो इंटीरियर डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइन क्षमताओं के साथ में उसको क्लाइंट की अपेक्षाओं के अनुरूप उसको साकार कर सके। आपने कहा कि इंटीरियर एक अच्छी फील्ड हो गई है, काफ़ी सारे इसमें नए नए चेंजेस आ गए हैं, तो चेंजेस के हिसाब से एजुकेशन की भी अपार संभावनाएं हैं। काफ़ी लोगों को इसमें एजुकेट करने की ज़रूरत है और साथ ही इसके लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो अभय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह के जो कोर्सेज हैं उसमें आपके पास क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और फ्यूचर क्या? परंपरागत रूप से इंटीरियर डिज़ाइनिंग को एक सेकेंडरी करियर ऑप्शन की तरह देखा जाता रहा है कि आप ग्रेजुएशन के तौर पे बीबीए, बीकॉम, बीसीए करते हो और आप साथ ही साथ एक साल का कोई डिप्लोमा कोर्स करने की इच्छा रखते हो, जबकि अब आज जो वर्तमान एक्सपेक्टेशन है किसी एक ट्रेंड इंटीरियर डिज़ाइनर को लेकर, वो ये है कि वो एक प्रॉपर व्यवस्थित 3 साल 4 साल का कोर्स करे और वो इंटीरियर की तमाम विधाओं में, इंटीरियर के जो तमाम आस्पेक्ट्स हैं उसको वो ए टू जेड अच्छे से प्रॉपर प्रैक्टिकल फैसिलिटीज़ के साथ, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ पढ़े, ताकि जब वो कोर्स ख़त्म करे या तो वो अपना खुद का व्यवसाय करेगा या फिर वो किसी एक एस्टेब्लिश्ड इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए, डिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, तो वो इंडस्ट्री रेडी हो, वो डिलीवर कर सके जो या तो उसका डायरेक्ट क्लाइंट उससे एक्सपेक्ट करता है या उसका जो एम्प्लॉयर है, जो खुद एक एस्टेब्लिश्ड इंटीरियर डिज़ाइनर है, वो जो उससे एक्सपेक्ट करता है। ऐसे में एक बड़े कोर्स, एक लॉन्ग टर्म कोर्स को करने की आवश्यकता है। 3 साल का बीएससी इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स एक सबसे अच्छा कोर्स है, जो 12th की बात किया सकता है। आपका 12th में स्ट्रीम कुछ भी हो, आप एक डिग्री कोर्स कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, या फिर यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप एमएससी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं, और डिप्लोमा पाठ्यक्रम तो हैं। जी, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह से अभय जी बता रहे हैं कि बीएससी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, एमएससी इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, डिप्लोमा भी अवेलेबल है, करियर की बात की जाए तो किस तरह की संभावनाएं इसमें? करियर की बात करी जाए तो संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। पर्टिकुलरली जिस टाइप से अर्बनिज्म का जो टोटल चेंज हुआ है इंदौर के अंदर, इंदौर स्पेसिफिक बात करें, तो जो शहरी सीमाओं का विस्तार हुआ है, जो लोगों के जो एक सोशल प्रभाव के कारण जो लोगों की रहन सहन शैलियों में जो एक परिवर्तन आया है, तो इसके हिसाब से संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हैं और काफ़ी रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री, अगर मैं अपना खुद का ही एग्जांपल दूं तो स्टिल मैं अपने ऑफिस में कोई अच्छे प्रोफेशनल्स को मिस करता हूं कि ये आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिविजुअल आर्किटेक्ट्स के पास में, इंडिविजुअल इंटीरियर डिज़ाइनर्स के पास में जिस रफ्तार से काम बढ़ा है, तो उस रफ्तार से उस काम को, उसको साथ में ऐसे एसोसिएट्स की ज़रूरत है जो उसका कुछ काम बांट सके और एक अच्छा, जो उसकी सोच है, जो उसकी डिज़ाइन का विज़न है, उसके हिसाब से उसकी डिलीवरी भी दे सकें।
देखिए मेहता जी ने कितनी अच्छी बात बताई, उनका कहना है कि अच्छे प्रोफेशनल्स की तलाश है, अच्छे सहयोगी की उन्हें भी तलाश है। तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि जब इस लेवल का आदमी ये बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं करियर को लेकर आप लोगों को जागरूक होना चाहिए और अच्छे कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। अभय जी, मेहता जी का कहना है कि इसमें काफ़ी सारी अपार संभावनाएँ हैं करियर को लेकर, क्या लगता है कि आपके पास जो कोर्सेज, आप MSc और BSc की बात कर रहे हैं, किस तरह से लोग स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से आप कोर्सेज को आगे रन करने की बात करते हैं? ये जो कोर्सेज हैं ये थियोरेटिकल कोर्सेज नहीं है, 4 से 8 घंटे रोजाना आपको आना होता है और आधे से ज़्यादा ट्रेनर्स फुल टाइम स्टाफ मेम्बर्स न होकर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं। हमने शहर के एस्टेब्लिश्ड इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स को रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जैसे कि मिस्टर मेहता ने बताया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई मीन फॉर्चुनेटली सच अ पॉइंट केम इन बिटवीन, कि जो एस्टेब्लिश्ड इंटीरियर डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स हैं उनके पास कामों की अधिकता है, खूब प्रोजेक्ट्स हैं, मगर उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तगड़ी टीम की आवश्यकता है। हर एक इंटीरियर डिज़ाइनर, हर एक बड़े आर्किटेक्ट को हर एक महीने, 2 महीने में 3-4-5 रेडी प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है। वो डिमांड पूरी तब हो पाएगी जब संस्थान में इंटीरियर डिज़ाइनिंग के नाम पर वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो आज बाज़ार में प्रचलन में है, बजाय कि थ्योरेटिकल ट्रेनिंग दी जाए, सिर्फ स्केचिंग सिखाई जाए, सिर्फ स्पेस प्लानिंग सिखाई जाए। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, न सिर्फ ऑटोकैड बल्कि इंटीरियर से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्स के दौरान पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब वो कोर्स ख़त्म करेगा बच्चा तो ऑब्वियसली उससे एक्सपेक्टेशन उस लेवल की होगी। हमारा जो कोर्स है वो स्टूडेंट को ऑलराउंड डेवलपमेंट देता है, न सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइनिंग सिखाता है, वो तमाम दूसरे आस्पेक्ट्स के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, मटेरियल सिलेक्शन। जब आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर की तरह काम करते हो तो आपको क्लाइंट के बजट के अनुसार और उसकी अपेक्षा के अनुसार काम करना होता है। हो सकता है आपको किसी क्लाइंट के लिए 900 रुपये स्क्वायर फीट का सनमाइका इस्तेमाल करना हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन 10,000 रुपये की सनमाइका की हो। सो आपको मटेरियल सिलेक्शन है, आपको इंटीरियर डिज़ाइनर को 10-12 प्रकार के वेंडर्स के साथ काम करना होता है, फ्लोरिंग का वेंडर है, फाल सीलिंग का वेंडर है, सैनिटरी वाला है, ग्लास का वेंडर है, कारपेंटर है। उन सभी विधाओं में कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, और किस सीक्वेंस में किसी एक छोटे या बड़े प्रिमाइसिस का इंटीरियर जब होता है तो किस सीक्वेंस में काम होता है। उन सभी पहलुओं पे हम ध्यान दे रहे हैं और मैं मेहता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस प्रकार का अध्ययन करेंगे वो स्वाभाविकतः आपकी सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। मेहता जी, जिस तरह से अभय जी बता रहे हैं कि हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं, उनको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवा रहे हैं, एक तो चीज़ ये कि इससे आप कितने सहमत हैं, क्या इस पर एजुकेशन, इस तरह का एजुकेशन लेने पर अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिलेगी, इसको लेकर क्या कहते हैं? हाँ, मैं इस बात से, इनकी जैन साहब की बात से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि अब क्या हो गया है कि अगर हम पिछले 5 सालों में एक फ़र्क देखें कि जिस तरीके से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होते थे और जो क्लाइंट्स की अपेक्षा रहती थी, उसमें एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया। ये टेक्नोलॉजी की एज, अब इसमें क्लाइंट की अपेक्षा होती है कि वो जो भी चीज़ बना रहा है, चाहे वो ऑफिस बना रहा है, चाहे वो घर बना रहा है, तो वो पहले उसको विजुलाइज करके देखे। तो मैं समझता हूँ कि शायद ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटीरियर डिज़ाइन एजुकेशन का, कि विजुलाइजेशन और इंटीरियर डिज़ाइन ये दोनों साथ साथ में आनी चाहिए, ताकि हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं हम हमारे क्लाइंट को कन्विंस कर सके, उसे बता सके कि भाई आप किस तरीके के परिसर में जाएंगे कंप्लीट होने के बाद में। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि पिछले 5 सालों में अगर इंदौर में देखेंगे तो एक कमर्शियल इंटीरियर्स का एक बहुत बड़ा बूम आया। कमर्शियल इंटीरियर्स के माने जो जिस तेज़ी से मॉल्स वगैरह जो बने, शॉपिंग मॉल्स वगैरह, और बाहर से काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, कुछ नेशनल ब्रांड्स हो गए, तो सभी के अपने अपने आउटलेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बात करेंगे तो अब इंटीरियर डिज़ाइन प्रोफेशन एक्चुअली एक ऐसा वो शेप ले चुका है जिसमें कि एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अलग अलग तरह के इंटीरियर्स के, अलग अलग तरह के इंटीरियर्स के प्रोजेक्ट्स को डील करने के लिए, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो कोई ईटिंग आउटलेट हो, चाहे वो रिटेल का कोई दूसरा हो, गारमेंट स्टोर हो।
तो इन सब चीज़ों के लिए डेफिनेटली मैं ये बात से सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। देखिए तकनीकी का कितना महत्व है ये मेहता जी ने बताया, साथ ही अभय जी का कहना है कि इस तरह के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं उनकी मदद से हम आदमी को विजुलाइज़ करके या क्लाइंट को विजुलाइज़ करके सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। अभय जी आपके कोर्सेज में ये सब चीज़ें बीएससी कोर्सेज में ही अवेलेबल हैं? सी स्वाभाविकतः इन सारे टॉपिक्स और इन आस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए एक सर्टन टाइम पीरियड की तो आवश्यकता है। यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसको मैं लाना चाहता हूँ टेबल पर। इंटीरियर डिज़ाइनिंग एजुकेशन को कमतर करके नहीं आका जाना चाहिए। ये 3 महीने 1.5 महीने 2 महीने 6 महीने या 1 साल के लिए किया जाने वाला हॉबी कोर्स नहीं है। ये इंजीनियरिंग से बिल्कुल कम नहीं है, ये MBA से बिल्कुल कमतर नहीं है, ये MBBS या CA या CS से बिल्कुल कमतर नहीं है। आप इंजीनियरिंग MBA CA CS करके यदि आप 15,000 20,000 25,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह वाला जॉब बमुश्किल आज पा पाते हैं, ऐसे में मिस्टर मेहता इज़ हेयर, आप खुद एंडोर्स कर सकते हैं इस बात को कि यदि आप सिर्फ एक 2 BHK का फ्लैट किसी एक क्लाइंट के लिए इंटीरियर कर देते हैं तो शायद उस अकेले मात्र 2 BHK के फ्लैट की आपकी प्रोफेशनल फ़ी 25,000 से 50,000 रुपया हो सकती है। और एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर के पास स्वाभाविकतः 2-4-5-6 साइट्स 8-10 साइट्स, एक बडिंग इंटीरियर डिज़ाइनर की बात कर रहा हूँ मैं जिसने अभी अभी शायद अच्छे से कहीं कोर्स किया है, और यदि वो 3-4-5 छोटी छोटी साइट्स भी लेवे तो वो बहुत आसानी से अपनी टाइम इंडिपेंडेंस के साथ, इसी टाइम इंडिपेंडेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई एक फीमेल कैंडिडेट हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करना चाहे तो वो अपने घर से अपनी 3-4-5 साइट्स को उन विशेष 2 दिनों में पूरा कर सकती हैं, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन वेंडर्स की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकती हैं। आधे से ज़्यादा काम आप इंटरनेट सिस्टम पे करके आप लोगों को ड्राइंग्स भेज सकते हैं और वो आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। एक इंडिपेंडेंस भी है और साथ साथ आप बड़ी आसानी से 25,000 से 50,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ किसी बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर की। जैसे जैसे आपका आपकी क्रिएटिविटी के आपके द्वारा किए गए काम के जब लोग कायल होना शुरू होते हैं तो शहर में मिस्टर मेहता जैसे डिज़ाइनर्स की भी की इतनी मांग है कि शायद कोई 5 करोड़ का या 10 करोड़ का भी कोई प्रोजेक्ट है और कोई क्लाइंट कहे कि मुझे आज शाम को मीटिंग करनी है तो शायद मिस्टर मेहता अगले 5 दिन तक का अपॉइंटमेंट नहीं दे पाएंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। सही बात है, देखिए व्यस्तता की ज़िंदगी इतनी है और इतने लंबे समय का अनुभव मेहता जी को है तो उसके चलते स्थितियाँ बनना स्वाभाविक है। मेहता साहब जिस तरह से अभय जी बता रहे हैं कि काफ़ी बूम है इस इंडस्ट्री में, आप भी कह रहे हैं कि करियर को लेकर अपार संभावनाएं हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से लोगों को आना चाहिए इस फील्ड में? मैं बिल्कुल इस बात को एंड्रोस करूँगा और ये भी कहूँगा कि आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे कई बार अगर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स का एग्ज़ाम्पल दूँ, चूँकि MP चैप्टर का चेयरमैन भी हूँ, तो कई बार प्रोफेशनल आर्किटेक्ट से ये चीज़ बार बार आती है कि दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ। अब ये हो गया है कि प्रोजेक्ट्स इंदौर में बैठ के आदमी जयपुर में प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इंदौर में बैठ के आदमी कहीं और बाहर प्रोजेक्ट्स कर रहा है, तो बट नेचुरल उसको एक ऐसे, जिसे मैंने पहले ही बोला कि एक एसोसिएट की रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से ट्रेंड अच्छे ट्रेंड इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिज़ाइनर्स की। और आई थिंक कि आने वाले समय में ये मांग बढ़ती जाएगी, शहर तेज़ी से फैल रहा है तो डेफिनेटली डिमांड तो बहुत है। अभय जी आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं क्योंकि आप एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपका क्या सजेशन है? बड़े इनफॉर्मल वर्ड्स में कहूँगा कि भीड़ चाल की तरफ नहीं जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप में क्रिएटिविटी है, आप कुछ हट के करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें हर सुबह आपके लिए एक नया चैलेंज हो, आपके लिए इनोवेटिव एक्सपेक्टेशंस हो, आप कुछ इनोवेटिव रोजाना कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए आपका इंटरेस्ट है, इंक्लिनेशन है, तो इंटीरियर से अच्छी फील्ड नहीं हो सकती। जैसा कि मिस्टर मेहता ने बताया, शहर में मैं ऐसा मानता हूँ कि आज वर्तमान में आज के दिन शहर को अच्छे ट्रेंड 1,000 इंटीरियर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है। यदि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स किसी दूसरे शहर प्रदेश या देश से ला के रख दिए जाएँ तो शायद मिस्टर मेहता उनमें से किन्हीं 10 या 20 इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अगले 15 दिन में जॉब दे पाएंगे। इतनी साइट्स हैं, इतने प्रोजेक्ट्स हैं और अपार संभावनाएं, इट्स एन अपकमिंग फील्ड। और लोगों का एक्सपेक्टेशन देखिए कितना बदला है कि एक फीमेल
कैंडिडेट जिसका 2 करोड़ रुपए का 3 करोड़ रुपए का कोई बंगलो बन रहा है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि मेरे किचन में फर्श किस प्रकार का लगेगा, मेरे किचन के वार्डरोब्स और ड्रॉर्स में हैंडल्स किस प्रकार के होंगे, उसकी उसकी विनीर किस प्रकार की होगी, और वो एक्सपेक्ट करती है कि उनका इंटीरियर डिज़ाइनर कुछ करने के पहले उसको उनको बतावे कि इस फर्श के साथ ये विनीर कैसा लगेगा आपको, यहाँ इस प्रकार की फॉल सीलिंग आप पसंद करेंगी, डाइनिंग टेबल का कांच और कांच के ऊपर डिज़ाइन और एसिडिंग और अलग अलग प्रकार की सुविधाएं, चेयर्स के ऊपर फैब्रिक, वो सब कुछ पसंद करना चाहती है वो खुद। ऐसे में एक बड़े इंटीरियर डिज़ाइनर को अपने बैक ऑफिस में R&D करने के लिए काफ़ी जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर्स की आवश्यकता होती है, जिनको शायद वो 15,000 से 25,000 रुपये प्रति महीना पे करने के लिए तैयार हैं और कुछ नए जॉब्स भी हैं। जी तो आपने देखा इंटीरियर के क्षेत्र में अपार संभावना है, करियर के लिहाज से देखा जाए, एजुकेशन के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। वर्चुअल वाइज आप विजिट करेंगे तो आपकी इन जिज्ञासाओं को काफ़ी आसानी से वहाँ शांत किया जा सकता है। तो देरी किस बात की, चले वर्चुअल वाइज। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।